नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 8 जुलाई को हम चर्चा करेंगे टाइगर हिल की जीत के बारे में। पाकिस्तान अपनी मजहबी मान्यताओं के कारण जन्म के पहले से ही अंध भारत विरोध का मार्ग अपनाए हैं। जब भी उसने भारत पर हमला किया उसे मुंह की खानी पड़ी। ऐसा ही एक प्रयास उसने 1999 में किया जिसे करगिल युद्ध कहा जाता है। टाइगर हिल की जीत इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सियाचिन भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ होने के कारण यहाँ भयानक सर्दी पड़ती है। शीतकाल में तो तापमान 50 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। उन चोटियों की सुरक्षा करना कठिन ही नहीं बहुत खर्चीला भी है। इसलिए दोनों देशों के बीच यह सहमति बनी थी कि गर्मियों में सैनिक यहाँ रहेंगे लेकिन सर्दी में वे वापस चले जाएंगे। 1971 के बाद ये व्यवस्था ठीक से चल रही थी, पर 1999 की गर्मी में जब हमारे सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में सामरिक महत्व की अनेक चोटियों पर कब्जा कर बंकर बना लिए हैं। पहले तो बातचीत से उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया, पर जनरल मुशर्रफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। अतः जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो फिर युद्ध ही एकमात्र उपाय था। 3 जुलाई की शाम को खराब मौसम और अंधेरे में 18 ग्रेनेडियर्स के 4 दलों ने टाइगर हिल पर चढ़ना प्रारंभ किया। पीछे से तोप और मोर्टार से गोले दाग कर उनका सहयोग किया जा रहा था। एक दल ने रात को 1:30 बजे उसके एक भाग पर कब्जा कर लिया। कैप्टन सचिन निम्बालकर के नेतृत्व में दूसरा दल खड़ी चढ़ाई पर पर्वतारोही उपकरणों का प्रयोग कर अगले दिन सुबह पहुँच पाया। तीसरे दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट बलवान सिंह कर रहे थे। इसमें कमांडो सैनिक थे, उन्होंने पाक सैनिकों को पकड़कर भून डाला। चौथे दल के ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव व उनके साथियों ने भी भीषण दुस्साहस दिखाकर दुश्मनों को खदेड़ दिया। इस प्रकार पहले चरण का काम पूरा हुआ। अब 8 माउंटेन डिवीजन को शत्रु की आपूर्ति रोकने को कहा गया क्योंकि इसके बिना पूरी चोटी को खाली कराना संभव नहीं था। मोहिंदरपुरी और एमपीएस बांझवा के नेतृत्व में सैनिकों ने यह काम कर दिया। सिख बटालियन के मेजर रविंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट सहरावत और सूबेदार निर्मल सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने पश्चिम भाग पर कब्जा कर लिया। इससे शत्रु द्वारा दोबारा चोटी पर आने का खतरा टल गया। इसके बाद भी युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। यद्यपि दोनों ओर के कई सैनिक हताहत हो चुके थे, सूबेदार कर्नल सिंह और राइफलमैन सतपाल सिंह चोटी के दूसरी ओर एक बहुत खतरनाक ढाल पर तैनात थे। उन्होंने कर्नल शेर खान को मार गिराया। इससे पाकिस्तान सैनिकों की बची कुची हिम्मत भी टूट गई और वे वहां से भागने लगे। 3 जुलाई को शुरू हुआ यह संघर्ष 5 दिन तक चला। अंततः 2200 मीटर लंबे और 1000 मीटर चौड़े क्षेत्र में फैले टाइगर हिल पर पूरी तरह भारत का कब्जा हो गया। केवल भारतीय सैनिक ही नहीं तो पूरा देश इस समाचार को सुनकर प्रसन्नता से झूम उठा। 8 जुलाई को सैनिकों ने विधिवत तिरंगा झंडा वहां फहरा दिया। इस तरह करगिल युद्ध की सबसे कठिन चोटी को जीतने का अभियान पूरा हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।